नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्द्र मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उधर उसको थ्रू में जो रेगुलर व्यू देता हूँ और उसके थ्रू में एडुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस भी कुछ मेरा जो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, उसको दिखाता हूँ, उसको फिर से स्क्रीन करके आपको आप लोगों को कल का व्यू देता हूँ। और आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अपडेट होने से, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले मैंने बोला था कि ट्रेंड पहले देख लीजिए, ट्रेंड ये प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ट्रेंड देखा जाता है, तो ट्रेंड एक बार देख लेंगे तो ट्रेंड एक बार कन्फर्म हो जाएगा तो आप लोगों को कोई भी सेटअप आप लोग यूज़ करेंगे देखेंगे कि वो ट्रेंड एक ही दिखाता है। ये प्रॉबिटी 130 डेज का हिसाब से बना है, ये भी 30 डेज का हिसाब से बनाया गया है, ये 1 डेज का हिसाब से बनाया गया है, ये 3 डेज का हिसाब से बनाया गया है, ये 5 डेज का हिसाब से बनाया गया है। तो ये दोनों करने से जो 30 डेज का जो ट्रेंड चल रहा है ये आप लोगों को आ जाएगा, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और शॉर्ट टर्म जो देखना चाहता है वो ये भी आप लोग कर सकता है। और मैंने उधर ट्रेंड देख लिया, उसके बाद मैंने प्राइस को कर लेते हैं थोड़ा सा 100 के ज़्यादा, प्राइस को कॉल ले लिया 100 के ज़्यादा। उसके बाद मैं क्रॉस ओवर कर लेता है, मैं क्रॉस ओवर कर लिया, उसके बाद बोलिंजर अपर बैंड तो बोलिंजर मिडिल बैंड के ऊपर हो गया। और आप MACD तो पॉजिटिव हो गया, RSI को कॉल लेते हैं, RSI कॉल लेते हैं, स्टोकास्टिक को भी कॉल लेते हैं। RSI 130 रखा है, 50 के ज़्यादा लेकिन 70 से कम। स्टोकास्टिक वो भी 50 के ज़्यादा, 80 से कम। और इधर देखते हैं नए भाई लोग क्या बना, कितना बना है। मैंने एक एक दिन एक एक तरीका दिखाता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत सारा तरीका से, कितना सारा तरीका से इसको स्क्रीन कर जा सकता है। तो ये आप लोग इसको और भी स्क्रीन कर सकता है, तो आप ये आप लोग चार देख लीजिए। इधर एक बार देखते हैं, देखिए 5 डेज के हिसाब से ये पिवट पॉइंट R1 के बीच में है, 15 डेज के हिसाब से भी R1 R2 के बीच में है, और 30 डेज के हिसाब से R1 R2 के बीच में है। इससे ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है, और इसको और भी स्क्रीन कॉल ले सकते हैं लेकिन इतना कम हो जाएगा। आप इसकी आप लोग इसको नोट कर ले सकते हैं, आप लोग सबको नोट कर सकते हैं इसका बाइसेल लेवल टारगेट। इधर मैंने जो रिकमेंडेशन दूंगा और इसका लेवल कुछ अलग होगा वो आप लोग उसका पहले से पोजीशन ले सकता है। ये देखिए, और जो मेरा माई फेवरेट भी है उसको निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स भी है, और निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स भी आप लोग को दिख जाएगा। और देखिए मैं इधर चार्ट बनाया कोल इंडिया का, देखिए मैंने इधर डोंचन चैनल लगाया, डोंचन चैनल सुपर ट्रेंड 5-8-13 न्यू एवरेज VWAP और सुपर ट्रेंड MACD RSI स्टोकास्टिक, देखिए कितना पॉजिटिव दिखा रहा है। ये डोंचन चैनल का ऊपर है, आप लोग कोई भी स्टेट सेटअप यूज़ कर सकता है। इधर ऑप्शन चेंज में भी देख लेता है एक बार,